पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर ड्राई वेदर प्रिवेल हुआ है। अगर हम बात करें मिनिमम टेम्परेचर की, तो मिनिमम टेम्परेचर में जो नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा है वहाँ पर एप्रिशिएबल फॉल देखा गया है, बाकी जगह ज़्यादा बदलाव नहीं देखा गया है। तापमान जो है घट रहे हैं धीरे धीरे। अगर बात करें मिनिमम टेम्परेचर की, तो मिनिमम टेम्परेचर प्लेन्स एरिया में फुलवानी में 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और हिल स्टेशन जी उदयगिरी में 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर में मिनिमम टेम्परेचर 18.5 डिग्री सेल्सियस और कटक में 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से आने वाले अगले 5 दिन तक यानी 17 तारीख तक ड्राई वेदर रहने की संभावना है। अगर हम बात करें मिनिमम टेम्परेचर की, मिनिमम टेम्परेचर ज़्यादातर जगहों पर उड़ीसा में अगले 2 दिन तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर सकता है, उसके बाद ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकेगा। अगर बात करें भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर का जो मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है और कल सुबह फोग उसके बाद पार्टली क्लाउडी स्काई रहने की संभावना है।